बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ हाइब्रिड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। व्यूवर्स, लेटेस्ट जॉब्स के हवाले से कवर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आए हूँ। लेटेस्ट जॉब्स इन फार्मेसी कौंसल, ये परमानेंट जॉब है व्यूवर्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करनी है और फिर रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू के लिए आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। व्यूअर्स, एडवर्टाइजमेंट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। KPPSC एजुकेशन और जॉब्स अलर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एडवर्टाइजमेंट व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी कौंसल और डोमिसाइल खैबर पख्तूनख्वा का होना चाहिए। उसमें अगर हम देख लें पोस्ट्स, कंप्यूटर ऑपरेटर BPS 16, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है BCS या मास्टर डिग्री अगर आप लोगों के पास हो BCS, और या सेकंड डिवीजन BA के साथ या BSc के साथ DIT होना चाहिए, डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक साल की एक्सपीरियंस जो मांगा हुआ है। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, और 3 साल अगर रिविलेंट एक्सपीरियंस हो तो वो। एज मांगा हुआ है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 ईयर्स। इसके साथ साथ जूनियर क्लर्क VPS 11, इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, मिनिमम सेकेंड डिवीजन होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड इसके लिए 30 वर्ड्स पर मिनट और 3 साल एक्सपीरियंस। ये एज क्राइटेरिया इसके लिए 18 से लेकर 30 तक है। टेलीफोन ऑपरेटर BPS 7 इंटरमीडिएट, मिनिमम सेकेंड डिवीजन, और अगर किसी के पास DIT हो तो उसको प्रेफरेंस दी जा सकती है। व्यूवर्स, अप्लाई आप लोगों ने कैसी करनी है? ईटा के थ्रू आप लोगों ने अप्लाई करनी है। स्क्रीन एंड टेस्ट के बाद फिर स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद शॉर्ट लिस्टिंग, और इसी तरह इंटरव्यू के लिए आप लोग फिर कॉल हो जाओगी। व्यूवर्स, 4 अप्रैल से फॉर्म अवेलेबल है और 20 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। व्यूवर्स, ईटा का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ETEA.edu.vk। व्यूवर्स, जॉब्स अलर्ट और KPPSC और स्पेशल एजुकेशन के तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया।